जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्र मंगल शनि की युति के बारे में। और हमारे यूट्यूब व्यूवर हैं मिस चक्षु यूपी से, इनके जन्म कुंडली का एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जन्म कुंडली के अंदर चंद्र मंगल शनि किस भाव के अंदर बेहद शुभ फल दिया करते हैं। लेकिन साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस भाव के अंदर ये ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, अगर तीनों ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो। यस, अच्छी कैसे होती है? ये लॉ होते हैं, ज्योतिष के नियम होते हैं। मात्र तीन ग्रहों की युति को पढ़ लेने से और किसी भाव में समझ लेने मात्र से ज्योतिष नहीं यहाँ पूर्ण हो जाता। इसीलिए यदि ये तीनों भाव के अंदर अच्छी स्थिति में बैठे हो तो अच्छा फल देंगे, और किस भाव के अंदर ये यदि खराब होकर के बैठ जाए तो जातक को दर्दनाक तकलीफें देते हैं। कई बार अपने आसपास के रिश्तों से भी समस्या आने लग जाती है। तो चलिए सबसे पहले चंद्रदेव को जान लेते हैं। चंद्रमा मन की सुख शांति, घर की सुख शांति, परिवार का सुख, माँ नानी दादी का सुख और जातक की बेसिक एजुकेशन जो 12वीं क्लास तक की होती है, इसके मालिक कहे जाते हैं। साथ ही साथ जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव अच्छी परिस्थिति के अंदर बैठे हों तो ऐसे जातक के अंदर मानसिक ठहराव बहुत अच्छी स्थिति का होता है। ऐसा जातक हमेशा सबकी बातों को बहुत धैर्य से, बहुत भोलेपन से और बहुत समझदारी के साथ सुनता और समझता है, और यही चंद्रदेव की खासियत होती है। अपने इमोशंस को बेवजह कहीं बहने नहीं देता। छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसा जातक कभी भी रोता नहीं है, परेशान नहीं रहता और कभी किसी को अपने अंदर की तकलीफें जाहिर नहीं होने देता है। इसी के साथ अब चलिए समझ लेते हैं मंगल देव के बारे में। मैं आपको इन युतियों के बारे में बताने से पहले सबसे पहले एक एक ग्रह को तो समझ लें कि किसके क्या भाव होते हैं। मंगल देव ताकत के मालिक हैं, अधिकार के मालिक हैं। मंगल देव किसी भी काम को करने की फोर्स के मालिक कहे जाते हैं। प्रशासनिक अधिकार जितने भी होते हैं वो मंगल देव से ही निकाले जाते हैं। आग के भी मालिक मंगल देव हुआ करते हैं। अब आप समझ करके देखिएगा, इधर आग और इधर पानी, दोनों के बारे में आपको मैं समझा चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं हम शनि देव के बारे में। शनि देव स्किल, टैलेंट, फोकस, आपके अंदर कितनी किसी भी काम को करने की क्षमता है, कैपेसिटी कितनी है, और आप किसी काम को कितने धैर्य के साथ करते हैं, और आपको अपने काम की नॉलेज कितनी है, स्किलफुल कितना है, ये शनि देव बताते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब चंद्रमा जो मैंने आपको बताया, मंगल बताया और अब आपको मैंने शनि बता दिया, इन तीनों ग्रहों को आप जब तक ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी युति को ठीक से तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो अब जब ये तीनों जन्म कुंडली के अंदर इकट्ठे होके 11वें भाव के अंदर बैठे तो ऐसा जातक चुस्ती चालाकी के साथ पूरी तरह से टैलेंटेड होता है। चुस्ती चालाकी क्यों? मंगल भी आ गए ना और शनि आ गए टैलेंट, और चंद्रमा आपके मन, सामने वाले से काम निकलवाने की ऐसे जातक के अंदर बहुत अच्छी क्षमता होती है। पूरे धैर्य के साथ, पूरे स्किल्ड के साथ ऐसा इंसान अपने काम को करके उसमें से प्रॉफिट निकाल के लाता है। प्रॉफिट की बात मैंने क्यों की? क्योंकि 11वां स्थान तो लाभ का ही है ना, प्राप्तियों का है, गेंस का है। आप किस तरीके से अपने काम में प्रॉफिट गेन करते हैं, किस तरीके से आपको अपने बड़े बुजुर्गों का सुख मिलता है और अपने बड़े भाइयों बहनों का सुख मिलता है, अब आप समझ गए होंगे। जन्म कुंडली के अंदर चंद्र मंगल शनि का योग इस भाव के अंदर बहुत अव्वल दर्जे का सुख देता है। लेकिन एक यहाँ पर छोटी सी समस्या होती है, वो तो हम जरूर जानेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं चक्षु के बारे में। इनका सवाल क्या है? वॉन्ट टू नो अबाउट माई करियर इन जॉब। बेटा चक्षु, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपकी जॉब में या जो आप अपने करियर में स्टेबल होना चाहते हैं, आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, उसमें रुकावट सबसे पहले आपकी सेहत रहेगी, और आपकी सेहत में आपका पेट बार बार आपको परेशान करेगा। तो आप अपने खान पान, अपने जो डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने पहले अपने पेट का ख्याल रखिएगा, और उपाय के तौर पर 6 दिन लगातार 6 कन्याओं को 6-6 साबुत बादाम दें,
लाल रंग के कपड़ों से आपको हमेशा परहेज रखना है, स्पेशली जो हमारी नाभि से नीचे पहनने वाले कपड़े होते हैं उनका आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। गरम खाने से आपको बेहद ज़्यादा परहेज रखना है, जितना ज़्यादा गरम और तला हुआ और बहुत तेज मसालेदार आप खाना खाएंगी आपका पेट हमेशा खराब रहेगा। और इसी के साथ साथ एक उपाय आपको और भी करना है, 12 साबुत बादाम ले लीजिएगा, जिसको काठिया बादाम बोलते हैं, गुलबंदी बादाम बोल देते हैं, उनको आप हल्दी से पीला करके काले सूती कपड़े में बांध करके लोहे के डिब्बे में बंद करके आप इसे अंधेरे कमरे में रख दीजिएगा और सारी ज़िंदगी इसको खोल करके नहीं देखना, ना इसमें सनलाइट पड़नी चाहिए। जब आपकी शादी हो जाए तब आप इसे अपने ससुराल भी अपने साथ ले जाना, लेकिन इसको खोल कर नहीं देखना। जब आप इन उपायों को कर लेंगी आपकी सेहत में भी आपको सुधार अवश्य दिखाई देगा, साथ ही साथ आपको अपने करियर और जॉब में भी स्टेबिलिटी मिलेगी। मेरी तरफ से आपको बेहद शुभकामनाएं बेटा। अब बढ़ते हैं हम जन्म कुंडली के अन्य भावों की तरफ कि कहां पर चंद्र मंगल शनि अपना अच्छा फल नहीं देते। जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, चौथे भाव में या आठवें भाव में ये युति आ करके बैठे तो ऐसे जातक को अपनों से, जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करेगा, जिसके ऊपर उसका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, उसी की तरफ से ऐसे जातक को बार बार चोट मिला करती है। क्यों मिलती है? जब जन्म कुंडली के अंदर ये अच्छी स्थिति के अंदर ना बैठे हों, या फिर जातक अपने खान पान, अपने डेली रूटीन्स के अकॉर्डिंग अपने ग्रहों को खराब करके बैठा हो। अब यहाँ पर एक चीज और भी समझने वाली है, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठ करके कहाँ चोट पड़ेगी? पराक्रम पर पड़ेगी, अपने सोशल रिलेशंस पर पड़ेगी, अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ संबंधों में पड़ सकती है, उनको किसी भी तरह से डोमिनेट करने की वजह से या डोमिनेट होने वाली परिस्थितियों के कारण होगी। ऐसे जातक को अगर अपने काम में, अपने प्रोफेशन में अगर समस्याएं आती हैं तो वो शनि यहाँ पर बैठे हुए अपने काम की जगह पर, प्रोफेशनल प्लेसेस पर अनस्किल्ड होने की वजह से समस्या आएगी और दूसरे लोग इसको इमोशनल या फिर इसको फोर्सफुली डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में हो, और जब ये चौथे भाव के अंदर चंद्र मंगल शनि का योग खराब हो करके बैठे तो रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, मन का सुख, परिवार का सुख, जीवन साथी के सुख और घर गृहस्थी के सुखों के अंदर ये कमियां पैदा करते हैं। क्यों पैदा करते हैं, इसके पीछे क्या कारण होगा? ऐसे जातक को अपनी जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो कॉमन नॉलेज होनी चाहिए, जिसे हम कॉमन सेंस कह देते हैं, उनकी कहीं ना कहीं से कमी होने के कारण ऐसे जातक को बार बार समस्याएं आएंगी। और आप तो जानते ही हैं चौथे भाव के अंदर यदि मंगल देव आ करके बैठ जाएं तो वो ऐसी स्थिति के अंदर मांगलिक दोष भी पैदा कर देते हैं, और जब शनि देव और चंद्र देव भी आ करके साथ में बैठे हों तो ऐसे जातक को मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और इसी मानसिक समस्या के कारण ऐसे जातक को बार बार अपने करियर के अंदर भी समस्याएं मिलती हैं, अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ को लेकर के बार बार कंफ्यूजन क्रिएट रहती है, और घर में अशांति और कलेश के कारण ऐसा जातक कभी भी सुख की सांस नहीं ले पाता। आगे चल करके हम उपायों के भी बारे में जरूर बात करेंगे, इन तीनों ग्रहों के जो युतियों के दुष्प्रभाव होते हैं उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सके, उसे कैसे कमजोर किया जा सके, और साथ ही साथ इसके कैसे हम लाभ उठा सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये भी कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी दीजिएगा। और अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आठवें भाव के बारे में, फिर उपायों के बारे में फाइनली बात करेंगे हम लोग, क्योंकि भावों के हिसाब से हर ग्रह का, हर भाव का अलग उपाय हुआ करता है। तो अब आठवें भाव को समझ लेते हैं। आठवां भाव मंगल का हुआ करता है और राशि यहाँ पर आकर के पड़ती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि का क्या भाव होता है? छुपा हुआ होता है, जहरीला होता है, डंक का होता है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जब चंद्र, मंगल और शनि तीनों आकर के यहाँ बैठे हों
तो ऐसे जातक के साथ बार बार धोखा होने की संभावना होती है। धोखा कैसे होगा? वो उसको अपने काम की सही समझ ना होने के कारण हो सकता है, दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेने के कारण हो सकता है, मानसिक अशांति और परिवार के साथ आपसी सौहार्द और पैसे की कमजोरी के कारण ऐसे इंसान के साथ धोखा हो सकता है। अब यहीं पर जब ये तीनों ग्रह आकर के बैठे हों तो ऐसे जातक के अंदर कॉन्फिडेंस की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और कहीं ना कहीं जब ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आकर के पनपने लग जाता है, क्योंकि इन तीनों ग्रहों की स्थिति के अंदर केतुदेव अपना बहुत अच्छा फल नहीं दिया करते। और जन्म कुंडली के अंदर जिस भी भाव के अंदर केतुदेव होंगे वहाँ पर इसका दुष्प्रभाव बनने लग जाएगा। अब केतु के क्या प्रभाव होते हैं ये मैंने अक्सर केतु के ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, आपको उसको देखना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए देता हूँ, आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। जब चंद्र मंगल शनि की युति अष्टम भाव के अंदर हो, चौथे भाव में हो, तीसरे भाव में हो और केतु देव बुरा फल दे रहे हों तो आपको कैसे उसको समझना होगा ये बहुत जरूरी है समझना। ज्योतिष में मैंने आप भाइयों बहनों को कई बार कहा है किसी एक ग्रह को पकड़ करके कभी भी आप सही ज्योतिषी नहीं बन सकते और अपनी समस्या का सही समाधान नहीं ले सकते। इसीलिए हर ग्रह, हर भाव, हर राशि, हर नक्षत्र, हर डिग्री को समझना बेहद जरूरी है। अब उपायों की तरफ बढ़ लेते हैं हम, लेकिन मैं फिर से आपको रिमाइंडर दे देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अंदर चंद्र मंगल शनि का योग है और आपको पीछे जो मैंने समस्याएं बताई हैं अगर वो आपके साथ हैं तो सबसे पहला उपाय चांदी की डब्बी में चावल भर करके या माँ तुल्य किसी स्त्री को दे दीजिएगा और पूर्णिमा के दिन आप उनसे आशीर्वाद स्वरूप में लेके अपने पास रखेगा। ताउम्र रखना है आपने इस डब्बी को, और हो सके तो आप इसको हर पूर्णिमा पर दोहरा लीजिएगा उपाय को। जितना ज़्यादा आपके पास चांदी और चावल इकट्ठा होता जाएगा उतना ज़्यादा इस भाव का आपको शुभ फल मिल सकता है। इसके साथ नॉनवेज ऐसे इंसान को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और कोशिश करें तो अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ हमेशा अच्छे संबंध ही बनाने का प्रयास करें। कोशिश करें अगर नहीं संबंध अच्छे बन पा रहे हैं आपके प्रयास की वजह से तो उसमें उलझे नहीं। अगला उपाय क्या करें, काले रंग के कपड़ों की टी शर्ट्स या काले रंग के जो भी शर्ट्स हो, टी शर्ट्स, टॉप, कुर्ता आपको पहनने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ एक और उपाय आपको कर लेना चाहिए, अगर आप ब्लैक कलर की हैंड फ्री लगा करके गाने सुनने के भी शौकीन हैं तो भी आपको इससे बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के चौथे भाव में इन ग्रहों के क्या उपाय होते हैं इन युतियों के। सबसे पहले यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि इस भाव के अंदर मंगल और शनि के उपाय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। क्यों? इस भाव के अंदर मंगल और शनि अपनी स्थितियों को सबसे ज़्यादा कुप्रभावित कर सकते हैं। मन की शांति, परिवार का सुख, जीवन साथी के सुख और आपसी सौहार्द और आपसी रिलेशंस के अंदर जो एक इमोशंस होना चाहिए उसको मंगल और शनि हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो उपाय क्या करें, सबसे पहला उपाय 43 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटियां तंदूर में लगवा करके कुत्तों और कौवों को डालें। तंदूर में नहीं लगवा सकते तो देखिए जिस तरीके का मिट्टी का मैं आपको तवा दिखा रहा हूँ, इस तरीके की जो तवा मिलती है उस पर आप सिंगल साइड से आटे और गुड़ को मैश करके रोटी बनाइए और सिंगल साइड से सेक करके डाल दीजिएगा। आप उपाय दिन के समय करना है, बिना नागा किए करना है। अगला उपाय 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी चावल ले लीजिएगा, साबुत चावल, उस पर हल्का सा दूध का छींटा लगा करके कहीं पार्क में पक्षियों को खिलाइए जहाँ कौवे सबसे ज़्यादा आते हों। जब आप इन दो उपायों को कर लेंगे आपको, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा और आप मानसिक परिस्थितियाँ जो परेशान कर रही हैं आप उनसे भी बाहर जरूर आएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं आठवें भाव में चंद्र मंगल शनि के क्या उपाय होंगे। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले शनि और चंद्र के उपाय करने होंगे। जितना ज़्यादा हो सके माँ, नानी, दादी, बुजुर्ग औरतों का आपको आशीर्वाद लेना होगा। कभी भी किसी विधवा का
आप अपमान ना करें, उनका जितना ज़्यादा हो सके सम्मान करें। कोई अगर आपको उनके साथ बहस होती हुई दिखाई दे तो उसको आपको इग्नोर करना होगा और अपने आप पर संयम रखना होगा। अगला उपाय, हर महीने में एक दिन शनिवार के दिन तवा या चिमटा किसी मजदूर आदमी को दान दे दीजिएगा और चांदी का एक चकोर टुकड़ा अपने घर में किसी भी स्त्री से लेकर के उसे आप अपनी शर्ट की जेब में या अपने कपड़ों में संभाल करके रखिएगा। ध्यान रखिएगा, चंद्र मंगल शनि की युति यदि अष्टम भाव के अंदर हो तो ऐसे जातक को मांस मदिरा और अंडे से सख्त परहेज भी रखना होता है और ये तभी रखा जाए जब आप दिखावे के रहीस हो, आपके पास दिखावे का धन बहुत हो, आपके साथ धोखा बहुत होता हो, आपके साथ बेवजह का पैसे का आपका नुकसान हो जाता हो, बेवजह आपके घर के अंदर और आपके जीवन के अंदर कलेश उत्पन्न हो जाता हो, भाई मित्र रिश्तेदार आसपास के जो भी लोग हैं वो आपके धन पर यदि नज़र रखते हों तो आपको ये परहेज जरूर रखना चाहिए। वीडियो कैसा लगा मैं फिर से आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स, आपका प्यार, आपके सपोर्ट और आपकी गाइडेंस मेरे लिए बेहद आवश्यक है और आप अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, उनका स्वागत करता हूँ मैं। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।